पहले जब धन होता था लोगों के पास में, वो कोठी प्लाट नहीं खरीदा करते थे, बोले बैंक में जमा करा दो, सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, ना। जब परमात्मा की दया कृपा बरसती थी तब वो यज्ञ ही कराया करते थे। चाहे राजा जनक हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे श्री राम हो, चाहे योगी राज श्री कृष्ण हो, यज्ञों के आयोजन हुआ करते थे। ऐसा ही एक यज्ञ का आयोजन हुआ। एक राजा ने यज्ञ का आयोजन किया और महात्मा को निमंत्रण दे दिया, महात्मन इस यज्ञ के ब्रह्मा आप रहेंगे और ये यज्ञ आपको कराना है। जो तारीख निश्चित की गई थी, महात्मा जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। तब उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और अपने शिष्य को बुलाकर के कहते हैं, ओ बेटा मैं अस्वस्थ हूं, यज्ञ नहीं करा सकता, तुम जाकर के इस यज्ञ का आयोजन करो, इसे सिद्ध कराओ। शिष्य पहुंच गया राजन के पास में और जाकर के बोला, महाराज की तबीयत गड़बड़ है, हम यज्ञ कराएंगे। सामान्य व्यक्ति से ऐसे यज्ञ नहीं कराना चाहिए, मैं देखता हूं उत्तराखंड के अंदर यज्ञ करा रहे हैं, दक्षिणा मिली, मच्छी खरीद करके जा रहे हैं, पहाड़ी पंडित मैं क्या करोगे? बोले भोजन नाश्ता। अच्छा, जिनका जीवन खुद का ही बिगड़ा हुआ वो कल्याण की कामना क्या करेंगे? जैसे ही ये आया, महाराज ने पूछा, तुम यज्ञ कराओगे? बोले हाँ। तो बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें यज्ञ का ब्रह्मा नियुक्त करूंगा, अन्यथा मैं तुमसे यज्ञ नहीं कराऊंगा। इस शिष्य ने कहा, बोले बोलो क्या प्रश्न है? तब ये महाराज कहते हैं, मेरा प्रश्न है कि ये यज्ञ कहां पर स्थित है, ये यज्ञ कहां पर रहता है, ये यज्ञ का आधार क्या है, कहां पर स्थित है? ये शिष्य बोले, महाराज इसका तो उत्तर मेरे पास में है नहीं। बोले उत्तर नहीं है तो फिर लौट जाओ, इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आना, तब तुम यज्ञ के ब्रह्मा बनोगे। शिष्य लौट गया, जाकर के अपने गुरु के पास में गया। महाराज, गुरु जी ने पूछा, उनका यज्ञ कराया कि नहीं कराया? बोले कराने से इनकार कर दिया। बोले क्यों? बोले उन्होंने सवाल किया है कि यज्ञ कहां पर स्थित है। गुरुजी बोले, इसका तो उत्तर मुझे भी नहीं मालूम है। तब गुरु और शिष्य दोनों निकलते हैं, बोले चलो जिन्होंने ये सवाल किया है उन्हीं से जाकर के मिलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं इस प्रश्न का उत्तर। दोनों गुरु शिष्य आए। पहले यज्ञ कराने वाले भी याज्ञिक लोग स्वाध्यायशील हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे। आज स्वाध्याय हमने बंद कर दिया, सारा मोबाइल के अंदर फेसबुक और व्हाट्सएप में ही मैसेज में रह गया। जाकर के गुरु शिष्य पूछते हैं, महाराज इस प्रश्न का उत्तर हम दोनों के पास में नहीं है कि यज्ञ कहां पर स्थित है, आप ही इसका उत्तर देवें। तब याज्ञिक जो यज्ञ कराने वाले थे, आयोजक, महाराज कहते ये यज्ञ वेद में स्थित है, वेद में ही है। ऋषि लिखते हैं कि यदि अधिक सामग्री हुए तो गायत्री मंत्र से नहीं, विश्वानी देव मंत्र से आहुति देवे। यज्ञ वेद में स्थित है। तब गुरु शिष्य बोले, महाराज ये तो प्रश्न एक और खड़ा हो गया। बोले कौन सा? बोले माना कि यज्ञ वेद में स्थित है, लेकिन ये वेद कहां स्थित है? राजन कहते ये वेद वाणी में स्थित है। यदि वाणी में ये सुरक्षित ना हो, वाणी से ना बोला जाए, जैसे ये बेटियां बोलती हैं, ज्ञान करती हैं, यदि ना बोला जाए तो वेद सुरक्षित नहीं रहेगा। वेद का आधार वाणी है, वाणी में स्थित ये वेद है। गुरु शिष्य कहते प्रश्न फिर उत्पन्न हो गया, माना कि ये वेद वाणी में स्थित है, लेकिन ये वाणी कहां पर स्थित है? राजन कहते ये वाणी मन में स्थित है। मन जिस इंद्रिय के साथ में लगता है वही इंद्रिय काम करती है। मन आंख से लगे आंख देखे, मन कान से लगे कान सुने, मन पैरों से लगे पैर चले, मन ना लगे तो आंखें देखते हुए भी देखती नहीं है, कान सुनते हुए भी सुनते नहीं है। इसलिए कहते ये जो वाणी है इसका आधार मन है। गुरु शिष्य बोले, महाराज प्रश्न फिर उत्पन्न हो गया, माना कि ये वाणी मन में स्थित है, लेकिन इस मन का आधार क्या है, ये मन कहां स्थित है? राजन कहते हे महाराज ये मन अन्न में स्थित है। गांव में कहते हैं ना, जैसे खाए अन्न वैसा बने मन। ये मन अन्न में स्थित है। जैसा आपका अन्न होगा पाप की कमाई का होगा तो मन सात्विक नहीं हो सकता। मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का जब अन्न हो उससे मन बनता है तब सात्विक मन बनता है। बोले चलो यज्ञों में। ये मन अन्न में स्थित है।
गुरु शिष्य बोले महाराज सवाल फिर उत्पन्न हो गया, माना कि ये मन अन्न में स्थित है, ये अन्न कहाँ स्थित है? राजन कहते ये अन्न जल में स्थित है, इसलिए आचमन करते हुए सत्यम यश श्री मई बोले ये जल क्या है? बोले श्री ये जल क्या है? लक्ष्मी। यदि जल ना बरसे सूखा पड़ जाए ना अन्न होगा, और जब अन्न नहीं होगा तो बाजार में धन भी नहीं होगा, इसलिए कहते हैं सेव वाटर, पानी बचाओ, यदि पानी बचेगा तो कल है, इसलिए पानी का ध्यान रखे श्री। अन्यथा जन्म राजस्थान में जब जाते हैं ना प्रचार करने, बोले नहाए तो हर घर से एक एक लोटा पानी आता है, एक एक लोटा पानी आया बाल्टी भरी, बोले नहा ले, बोले ना अभी नहीं, फिर इतना बड़ा पात्र लेकर के आते हैं तसला टाइप, बोले इसमें बैठ करके नहाओ, बोले क्यों? बोले ये पानी व्यर्थ थोड़ा ही जाना है, यहाँ तो बड़ी मुश्किल है। पता लगता ये मन अन्न में स्थित है, अन्न जल में स्थित है। गुरु शिष्य कहते महाराज सवाल फिर उत्पन्न हो गया, माना कि ये अन्न जल में स्थित है, लेकिन ये जल कहां पर स्थित है? तब राजन कहते ये जल तेज में स्थित है। बोले तेज क्या? बोले आकाश विद्युत, इस अग्नि के द्वारा ही यहीं से ये जल प्रकट होता है, इसलिए ये जल तेज में स्थित है। बोले सवाल फिर उत्पन्न हो गया, माना कि ये जल तेज में स्थित है, ये तेज कहां रहता है? तब राजन कहते महाराज ये जो तेज है ये आकाश में रहता है। बोले आकाश में? आकाश तो व्यापक है। बोले हाँ व्यापक है। ये विद्युत क्या कमाल की विद्युत, परमात्मा की टेक्नोलॉजी, आप सुनेंगे तो आनंद में विभोर हो जाएंगे। जो कच्चा पदार्थ यज के साथ में सूखी संविधाओं के कारण, सीली संविधाओं के कारण, सूखी सामग्री के कारण जो आकाश में चला जाता है, ये आकाशीय विद्युत उस सूखे पदार्थ में इधर से उधर धन धनाटे हुए उस सूखे पदार्थ को भस्म बना करके आकाशीय जल में मिला देते हैं परमात्मा। और जब वो आकाशीय जल बरसता है फसल उन्नति, और ये जल ही ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति रधिपति सवित्रो रक्षिता वर्ष मिशव, ये आकाशीय जल औषधीय है, इसमें स्नान करने से इसे पीने से बहुत से मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। क्यों? परमात्मा ने इसमें भस्म बना करके फिट कर दिया है। पता लगता ये जो तेज है ये आकाश में स्थित है। गुरु शिष्य मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते माना कि ये तेज आकाश में स्थित है, तो फिर ये आकाश कहां पर स्थित है? इसका भी तो कोई आधार होगा। राजन कहते ये आकाश ब्रह्म में स्थित है, ये ब्रह्मांड, ब्रह्म का पिंड, ब्रह्म का अंडा, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये आकाश ब्रह्म में स्थित है, इसका आधार ब्रह्म है। ऋषि मुस्कुराते, शिष्य मुस्कुराते, महाराज सवाल फिर आ गया कि माना कि ये आकाश ब्रह्म में है, ये ब्रह्म कहां पर स्थित है? तब राजन कहते ये ब्रह्म ब्राह्मण में स्थित है। कौन ब्राह्मण? वो जाति वाला नहीं कि हम ब्राह्मण तो बच्चे भी ब्राह्मण, चाहे अंगूठा टेक हो, ब्राह्मण से भी प्राय जो वेदों को जानकार हो, जो मंत्रों का दृष्टा हो, जो वेदों में ही विचरता हो, ब्रह्म में ही विचरता हो, वो ब्राह्मण। इसीलिए तो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ये जो नाम है इसी कारण तो है। महाराज कहते ये जो ब्रह्म है ये ब्राह्मण में वास करता है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म इसका आधार है, ये ब्राह्मण आधार है। बोले ये ब्राह्मण का आधार क्या है? सवाल तो उत्पन्न हो गया कि ये ब्राह्मण का आधार क्या है, ब्राह्मण कहां पर स्थित है, इसका आधार क्या है? राजन कहते ये ब्राह्मण व्रतों में है। जिस ब्राह्मण के जीवन में व्रत ना हो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। व्रत कौन से? वो व्रत नहीं जिसमें आप भोजन करते हैं नवरात्रि का, सामान्य भोजन की बजाय कई गुना ज्यादा खा लेते हैं, ऐसी ऐसी कुट्टू की पकौड़ियां, कुट्टू के पकोड़े, कुट्टू के पराठे, छिलवाइयों ने भी अपना व्यापार चलाने के लिए, व्रत वालों के लिए नमकीन, नमकीन भी है लेकिन व्रत वालों के लिए है।
वो व्रत नहीं है। इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सबको आप बंधन में डाल सकते हैं। सबसे बड़ा जीव यदि कोई है तो वो हाथी है। हाथी को आप चैन में देखा सर्कस में बांध लेते हैं। सर्प तो मगरमच्छ तो जितने भी जीव प्राणी हैं उन्हें सबको आप बंधन में डाल सकते हैं। लेकिन एक ही ऐसा प्राणी है, ये दो पैर वाला मनुष्य, इसे आप बंधन में नहीं डाल सकते। ये बंधन को तोड़ करके बिना पासपोर्ट के दूसरे देश में उड़ान भर जावे, ये जेल तोड़ दे। और जेल में तो कमाल की बात है, जेल के अंदर विचार किया कोतवाल साहब ने, बोले महाराज रामलीला का समय है, कैदियों को कुछ प्रेरणा मिलेगी, रामलीला खेली जाए जेल में भी। परमिशन ली गई, जब परमिशन ली गई उन्हें कहा खेलो रामलीला कोई बात नहीं, कैदियों को प्रेरणा मिलेगी। बस शास्त्री जी 5 मिनट, प्रेरणा मिलेगी, रामलीला खेली गई। रामलीला खेल करके जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब बड़े अधिकारी ने पूछा रामलीला ठीक खेली कैदियों ने, बोले हाँ ठीक खेली, बोले कोई दिक्कत परेशानी, बोले कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बोले कोई दिक्कत नहीं, बोले एक दिक्कत आई है, बोले कौन सी दिक्कत आई है, बोले जिस कैदी ने हनुमान का रोल किया था वो संजीवनी बूटी लेने गया था, अभी तक तो लौट करके आया नहीं है, वो संजीवनी बूटी लेने के बहाने निकल गया जेल से और लौट करके आया नहीं है। इस मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकते। यदि कोई बंधन है इसके लिए तो वो व्रतों के बंधन है। ये व्रतों के ही बंधन है। कोई हमारा पिता है, कोई माता है, कोई बहन है, यदि ये व्रत ना हो तो मनुष्य में पशु में कोई अंतर है ही नहीं। सन्यासी और शिष्य मुस्कुराए, माना कि ये ब्राह्मण व्रतों में है तो फिर ये व्रत कहां पर है? तब आयोजक राजन कहते हैं ये व्रत यज्ञों में है। जहां से चले थे यज्ञ कहां पर स्थित है? लौट करके वहीं पर ये व्रत यज्ञों में स्थित है। इसलिए यज्ञ में बैठा करके सामान्य व्यक्ति को ओम अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम् व्रत दिला करके आचमन करा करके ईश्वर स्तुति उपासना के मंत्र स्वस्ति वाचन शांति कर्णम के मंत्र बोल करके उन भाव को सामान्य व्यक्ति के अंदर यज्ञ के ब्रह्मा देवत भर देता है, तब वो व्यक्ति सामान्य से उठ करके विशेष बन जाता है। इसलिए वो आदरणीय भद्रपुरुषो मातृशक्ति इन यज्ञों में आओ। घर में कोई बालक बिगड़ जाए बनाओ उसे यजमान, कोई व्यक्ति बिगड़ जाए बुलाओ उसे बनाओ यजमान। आप तो जानते हैं ना पानीपत से फूल सिंह भगत जी जीवन क्या था, आर्य समाज के यज में यजमान बनकर के जीवन बदल गया। इसलिए इन जीवन बदलने वाले यज्ञों को अपने घरों में स्थापित करो, अपने बच्चों को लेकर के आओ, नाती पोतों को लेकर के आए, जिससे कल ये शिकायत ना रहे बच्चे मानते नहीं साहब देर से सो करके उठते हैं। इसलिए अपने परिवार को बच्चों को यज्ञों में लेकर के आओ, उन्हें व्रतों में बांधो। और जब व्रत में बन जाता है तब व्यक्ति का जीवन सामान्य से स्तर से उठ करके देवत को प्राप्त हो जाता है, जीवन आनंद में हो जाता है। ये थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में की, समय कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम।